ओके सो गाइस, भाई साहब फिर एक बार यहाँ पर एक नहीं दो दो फिल्में, और दोनों इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। एक तो वेब सीरीज है और एक एक नया प्रोजेक्ट है। जिस तरह से अक्षय सर हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, फिर एक बार कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका इंतजार भाई लगभग 2-3 सालों से लोग कर रहे हैं। जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी भाई, जब से इसका प्रॉपर एक अनाउंसमेंट वीडियो शूट किया गया था, जहाँ पे अक्षय सर खुद भाई आग बंद करके चल रहे थे भाई साहब, वो जो सीन से ना यार, आज भी अगर कोई देखता है तो बोलता है भाई ये कैसे बंदा कर लेता यार ये सब। मतलब गाइज देखो कैसा है, मूवीज के अंदर देखना अलग बात है, लेकिन जब रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ एक्शन आप परफॉर्म करते हैं तब वहां मालूम पड़ता है कि भाई किस लेवल का एक्टर ये, किस लेवल का भाई एक्शन हीरो ये बंदा है। रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के अंदर इस तरह के स्टंट्स परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा भाई अपने आप के अंदर डेयरिंग वाली बात है। तो गाइस यहां पे फिर एक बार यहां पे इन्होंने एक चीज को कंफर्मेशन दे दी कि हां भैया, जिस वेब सीरीज का इंतजार आप लोग कर रहे थे द एंड, उसका स्क्रिप्ट का द एंड हो चुका है। फाइनली स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है एंड आपको ये जो फिल्म है इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है भाई। मतलब इतने बड़े बजट की वेब सीरीज जिसके लिए खिलाड़ी कुमार ने सबसे बड़ा वॉपिंग अमाउंट चार्ज किया था, बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे चार्ज की थी इस वेब सीरीज के लिए। और मैंने आई थिंक बताया भी था आपने किसी वीडियो के अंदर, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। और भाई मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई जब से मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर एक्शंस होंगे दबा करके। इसके अंदर भाई साहब साइंस फिक्शन होगा, और साइंस फिक्शन अक्षय कुमार की जोड़ी हम लोगों ने रोबोट 2.0 के अंदर देखी थी। सो बस मैं वही सोच करके अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग बना करके बैठा हूँ कि भाई क्या नेक्स्ट लेवल आ सकता है। अमेजोन प्राइम के साथ काम करें, डेफिनेटली कुछ ज़बरदस्त धमाकेदार आने वाला है। उसके अलावा भाई यहाँ पे फाइनली खिलाड़ी कुमार ने अपनी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट का भाई साहब अनाउंसमेंट भी कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि भाई इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म वाले भाई साहब। कहीं ना कहीं आप ये समझ जाए कि जिस तरह से अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट टॉयलेट प्रेम का था और पैडमन जैसी एक बोल सकते सोसाइटी के लिए पूरे समाज के लिए इम्पॉर्टेंट मूवीज़ थी, और कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ी हुई मूवीज़ थी, इम्पॉर्टेंट फिल्में थी जिस तरह से उन्होंने बनाई थी भाई, फिर एक बार यहाँ पे खिलाड़ी कुमार लेकर के आ रहे एक ऐसी फिल्म सेक्स एजुकेशन। यस गाइस, सेक्स एजुकेशन जो मेरे हिसाब से सुनने में काफ़ी वल्गर लगता है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप भी जानते हैं यार, इंडिया के अंदर सब चीज़ों के ऊपर जल्दी कोई बात नहीं करता, एक तरह का टैबू इसको माना जाता है। बट अब इन चीज़ों को थोड़ा सा जब तक आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं, और जब तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर समझाएगा नहीं, तब तक ये चीज़ें पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होने वाली। एंड इस चीज़ को भाई साहब प्रॉपर तरीके से लोगों को समझाने के लिए अक्षय कुमार ने खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है, और उन्हें बताया कि मैं इस फिल्म को ला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और सुनने में आया कि यार रिलीज़ उन्होंने बता दिया कि अप्रैल मई में रिलीज़ होने वाला है, और अगर सच में अप्रैल मई में रिलीज़ हो रहा है ना तो मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। वो कैसा है यार, आपकी नेक्स्ट ईयर वैसी 3-4 मूवीज़ हैं ऑलरेडी, और आप इसको भी नेक्स्ट ईयर में रखे लो, सो प्लीज़ ऐसा मत करना। कहीं ना कहीं आपको टाइम लेकर के इस मूवी को ट्राई करो 2024 के अंदर रिलीज़ करने के लिए, अगर पॉसिबल होता है सो। और कहीं ना कहीं हम भी नहीं चाहते कि यार इतनी सारी मूवीज़ के बीच में एक अच्छी खासी मूवी आए और बिल्कुल किसी भी वजह से ये आप हो सकते हैं फंस ना जाए, बस ये कहीं ना कहीं डर है। तो देखो गाइस कैसा है, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन बहुत लोग बन जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जब बात आती सच में ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालने की तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, एंड वो आप सब जानते हैं। और डेफिनेटली हम भी काफ़ी एक्साइटेड इस मूवी को लेकर के, और कहीं ना कहीं भाई साहब सबसे ज़्यादा तो द एंड को लेकर के। द एंड वेब सीरीज़ का जब से नाम सुने, जब से उसके अनाउंसमेंट वगैरह हुई थी भाई, हर एक बंदा एक्साइटेड है और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। आप किसके लिए एक्साइटेड, प्लीज़ कमेंट करना। क्या लग रहा है भाई साहब द एंड कुछ ज़बरदस्त धमाका करेगा, और क्या ये भाई साहब जो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड फिल्म आ रही है, क्या ऐसे सोसाइटी के अंदर कुछ बदलाव आएंगे, क्या ये मूवी चलेगी, क्या कुछ लगता है आइडिया बताओ। और चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।